नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु गोठवाल आज फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। ये कहानी है 1938 की करेली नाम के एक आदमी की जो हंगरियन आर्मी में था। हंगरी करके एक कंट्री है, वो उस कंट्री का सोल्जर था, साथ ही वो अपनी कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। उसी कंट्री में जितने भी नेशनल चैंपियनशिप हुए थे वो सब उसने जीत रखे थे। उसका एक ही ड्रीम था, अपने हैंड को बेस्ट पिस्टल शूटर हैंड बनाने का, और उसने ये कर दिखाया ओनली 2 साल का एक्स्ट्रा समय लेने के बाद। इन 1938 आर्मी में एक कैंप लगा हुआ था, उस कैंप में कैरेली के साथ एक एक्सीडेंट हुआ, उसके हैंड में हैंड ग्रेनाइट बॉम्ब फट गया, उसी के इसी हाथ में जिससे वह शूटिंग करता था। अब उसके जो भी सपने थे वो सब कुछ बिगड़ चुका था, उसकी सारी मेहनत खराब हो चुकी थी, रातों रात सब कुछ डैमेज, सब कुछ खत्म। अगर ये सब हमारे साथ होता तो हम क्या करते? सरेंडर, सारा का सारा ब्लेम गॉड पे डाल देते कि हे भगवान तूने ये मेरे साथ क्या किया, मैं वो सब करने ही वाला था जो मैं करना चाहता हूं, और आपने ये एक्सीडेंट किया और वो सब कुछ खत्म हो गया। उसको दुनिया के 10 कंधे मिल जाते यार सर रख के रोने के लिए, बट उसे ये कुछ नहीं करना था। उसके पास उस समय 2 ही रास्ते थे। एक, वो पूरी जिंदगी रोता रहता, लोगों को बताता कि यार मेरे साथ ये हुआ, मैं ये कर देता वो कर देता वगैरह वगैरह जो कुछ भी। एक वो जो उसके पास था, हिज लेफ्ट हैंड। उसने सोचा कि अब मैं मेरे इस लेफ्ट हैंड को वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाऊंगा। अगर ये बात वो दुनिया को बताता तो क्या बोलती दुनिया? पागल हो गया ये, इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। उसे पता था कि दुनिया क्या कमेंट्स करेगी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ भी नहीं बताया। उसने कंटिन्यू 1 साल अपने इस हैंड से प्रैक्टिस की, अपने राइट हैंड के चले जाने का दर्द, 0 से शुरू करने का दर्द, एक ऐसे हैंड से प्रैक्टिस करने का दर्द जिससे उसने कभी लिखा तक नहीं था यार। उसे वो इस वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहता था और उसने ये कर दिखाया था। 1939 में उसी कंट्री में नेशनल ओलंपिक हुई, नेशनल चैंपियनशिप हुई। उस कंट्री के बेस्ट पिस्टल शूटर्स आए थे विद देयर बेस्ट हैंड, और वो अकेला अपने लेफ्ट हैंड से कॉम्पीट हुआ उन सब में। और लास्ट में कौन जीता? ऑब्वियसली कैरेली जीतना था यार, स्टार्टिंग से कितनी मेहनत कर रहा था वो बंदा यार, डिजर्व करता था वो। उस टाइम उस बंदे के बारे में, कैरेली के बारे में उस कंट्री के मैगजीन्स में, टीवीज में, न्यूज में बहुत कुछ छुपा कि एक ऐसे आदमी के बारे में इतना सब कुछ हो गया, फिर भी यार उसने सब कुछ, इतिहास सब कुछ बदल के रख दिया यार, सब कुछ। अगर वो चाहता तो उस टाइम पे स्टार भी बन सकता था, किसी भी स्टूडियो में जाके इंटरव्यू देता, बिग बॉस में चला जाता यार, नेचुरली में जाके डांस कर सकता था, बट ये सब औरों के लिए था। उसे तो अपना एक एम था जो अचीव करना था, अपने हाथ को वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने का। अब उसने अपना पूरा फोकस 1940 में डाल दिया। 1940 में ओलंपिक्स होने वाले थे बट वो किसी कारण रिजेक्ट हो गए थे, आई थिंक वर्ल्ड वॉर की वजह से रिजेक्ट हो गए थे, हाँ वर्ल्ड वॉर। तब भी उसने हार नहीं मानी, उसने फिर से तैयारी की। 1938 में उसकी एज थी 28 ईयर। अब नेक्स्ट ओलंपिक्स होने थे 1948 में, अब उसकी एज होने वाली थी 38 ईयर। देखिए स्पोर्ट्स में ना एज का मैटर है ना, वो फैक्टर है, वो बहुत फैक्टर करता है, मैटर बहुत फैक्टर करता है। अब उसे यंगस्टर्स के साथ कॉम्पीट करना था अपने आप को। ओलंपिक हुए इन 1948 में, ओलंपिक हुए, उसमें भी जो कैरेली था वो गोल्ड मेडलिस्ट रहा, वो जीत चुका था। अब फिर भी उस बंदे ने हार नहीं मानी। अब उसका जो टारगेट था वो 1952 नेक्स्ट ओलंपिक था। उसने अपने आप को कंटिन्यू रखा, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, और लास्ट में 1952 का ओलंपिक भी जीत गया। उस बंदे ने इतिहास रच लिया यारो, इतिहास रच लिया। उससे पहले उस पर्टिकुलर गेम में किसी भी बंदे ने कंटिन्यू 2 बार कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था। उसने फोकस किस पे किया, अपनी स्ट्रेंथ पे या अपनी वीकनेस पे? स्ट्रेंथ पे। अपने प्रेजेंट पे या फ्यूचर पे? फ्यूचर पे। उसे पता था कि मुझे अपने हैंड को बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, उसने बनाया। तो यारो जो कुछ भी ड्रीम आपने देखा है ना उसे पूरा करो,
कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाओ, कुछ भी हो जाए आपके पास, रोवो हंसो, कुछ भी करो, जो कुछ सपना है आपका पूरा करो उसे। ये जिंदगी ना एक सिगरेट है जो जल तो रही है, वेस्ट हो रही है, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसे टेस्ट करते हैं या वेस्ट करते हैं। टेस्ट करोगे तो निखर जाओगे, वेस्ट करोगे तो बिखर जाओगे। बस हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक।